हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ सुमना और आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट जिसे देखकर आपकी आंखें चमचमाती रह जाएंगी। सो मैं जा रही हूँ गैस स्टोव की खरीदी करने एक शोरूम में। गैस स्टोव यानी कि बर्नर, चूल्हा जो भी कह ले आप, वो हमारे घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल मार्केट में तरह तरह के खूबसूरत से नए नए स्टील के साथ साथ क्रिस्टल ग्लास वाले बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत गैस स्टोव आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मुझे कौन सा पसंद आता है। सो लेट्स गो बाय अ ब्यूटीफुल गैस स्टोव एंड लेट्स अनबॉक्सिंग इट। वाओ, कितनी खूबसूरत है। ओ माय गॉड, ये जो है, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक में, ये प्रेस्टीज के हैं और प्रेस्टीज के कंपनी के तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, आपको पता ही है। और बाकी सबके भी है, सूर्या में भी है। मुझे थोड़ा ये पसंद आ रहा है जो लेमेंडर यानी कि पर्पल डार्क कलर है, तो मैं इसे निकालने के लिए बोल रही हूँ। मुझे ज़्यादा चटक फटक से ज़्यादा सिंपल एंड रिच चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। आई मीन रिच मतलब बहुत ही कॉस्टली नहीं, मुझे कॉस्टली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी कि दिखने में रिच दिखे और अच्छे खासे रेट में, रिजनेबल रेट में मिल जाए। फ्रेंड, मुझे तो ये भी बहुत पसंद है। ये देखिए जो ग्रीन कलर में है, बिल्कुल 3D लुक्स दे रहा है। या ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल पानी के ड्रॉप्स है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रिंट है, बिल्कुल 3D प्रिंट है। इतना खूबसूरत है ये भी ग्रीन कलर में, मुझे बहुत पसंद आया। मैं दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी, लेकिन फाइनली जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिजनेबल रेट एंड रिच लुक, तो मुझे मैं यही लेवेंडर वाला ही ले रही हूँ। है ना, बहुत बढ़िया। देखिए इतना खूबसूरत है ये, कलरफुल है पर प्लेन भी है एंड बहुत रिच भी दिख रहा है। फ्लेम अच्छे से आ रहा है कि नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं। अगर हम इससे भी ज़्यादा गैस का बड़ा फ्लेम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इन्होंने मुझे बताया है। तो आपको एक सुविधा इसमें क्या मिल जाएगा कि आप ये जो बर्नर का जो निप्पल है, पिन है, आप बदल सकते हो। तो एक स्टेप, दो स्टेप, आपको कितना बड़ा चाहिए आप इससे भी बड़ा फ्लेम लगवा सकते हो। इसके लिए आपको बर्नर का निप्पल चेंज करना पड़ेगा, बस वो 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने इन्हें बोल दिया है, मैंने अब ये और ये दोनों का बर्नर का निप्पल मैं चेंज करवा रही हूँ ताकि मेरे गैस का फ्लेम और बड़ा हो। ठीक है, तो बीच वाला मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। एक्चुअली कभी कभी हमें क्या रहता है, मुझे कुछ भी हाई फ्लेम में कुछ कोई भी डिशेज बनाना हो या फिर बहुत सारा कुकिंग करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं चेंज करवा के ले रही हूँ। तो आप चाहें तो आप भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हुए हैं और वो यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं।
आपको मैं बता दूँ, ये गैस का जो रेट है 4,500 में, मैं 4,500 में ये लेवेंडर कलर वाला यानी कि ब्यूटीफुल लुक वाला गैस मैं सिर्फ 4,500 में ले रही हूँ, ठीक है। सारे गैस स्टोव की प्रिंटिंग इतने अट्रैक्टिव है ना, ऐसा लग रहा है सारे के सारे ले लो। कोई बात नहीं, अब चलिए यहाँ पे पैकिंग कर लेते हैं और घर चलते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने सूर्या अनंत यानी कि सूर्या का गैस स्टोव लिया है, ठीक है। चलिए अब हम इसे पैकिंग कर लेते हैं और घर जाते हैं। हाँ, हमने बॉक्स लाया है घर पे, तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और शोरूम वाले ने आके इसे मेरे घर में फिट भी कर दिया है। तो ये देख सकते हैं सूर्या अनंत। अगर आपको यही वाला पीस चाहिए तो देखिए आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और शोरूम में जाके पूछिए कि मुझे ऐसा वाला गैस स्टोव चाहिए, तो आपको वो जरूर ला के देंगे क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसे आपको बहुत सारी वराइटीज मिल जाएंगी, आपको सेम इसी में ब्राउनिश मेटेलिक कलर में भी मिल जाएगा, पिंकिश कलर में भी मिल जाएगा, ये जो मैंने लिया है सेम। तो और ये देखिए हमें लाइटर भी मिला है। तो ये पास हमारे पास रहता है जंबो बर्नर बोलते हैं इसे, फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम, फिर उसके थोड़ा स्मॉल बर्नर रहता है, तो उसी हिसाब से फायर रहता है। मैंने क्या किया है, जंबो बर्नर में भी इसका थोड़ा सा पिन जो है, निपल जो है बदल दिया है, आपने देखा ही होगा दुकान में ही मैंने बदल के लिया था। तो बहुत ही अच्छे से जल रहा है, यानी कि बहुत ही हाई फ्लेम में, जो नॉर्मली रहता है इसमें जो फ्लेम, उससे भी मैंने ज़्यादा हाई फ्लेम कर दिया है इसको। ये देखिए इसका भी मैंने फ्लेम बढ़ा दिया है, इसका भी निपल चेंज कर दिया है, तो बहुत अच्छे से फायर निकलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंट वाले गैस स्टोव तो आपने देख ही लिए कितने खूबसूरत से थे, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं जिसका कॉस्ट सिर्फ 4,500 तक मैंने लिया है। हो सकता है आप इससे भी कम में ले, क्योंकि हर सिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं की, उन्होंने 4,500 बोला और मैंने ले लिया। पता नहीं मुझे बार्गेनिंग करने को मन नहीं किया यहाँ पे, जबकि मैं अक्सर करती हूँ। मुझे इतना अच्छा है और इतना खूबसूरत लगा कि मैंने ले लिया चुपचाप से। शायद कोई चीज़ आपको इतनी हैप्पीनेस देती है कि आपको बार्गेनिंग करने की इच्छा ही नहीं रहती है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया। तो गाइज मैंने शॉपिंग करते हुए आपको इस गैस स्टोव की अनबॉक्सिंग करके दिखाई, आपको कैसा लगा, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और तो उससे भी बड़ी बात की आपको मेरा पसंद कैसा लगा, आपको यानी कि मेरी चॉइस का ये गैस स्टोव कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा यूजफुल अनबॉक्सिंग चैनल जो है बहुत ही नया है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दे ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकूं। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट छोटी सी बड़ी कोई भी यूजफुल से अनबॉक्सिंग को लेकर। टिल देन सी यू, बाय बाय।